ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हमें निरंतर योग युक्त स्थिति को प्राप्त करना है। योगी बनना हमारे जीवन का मुख्य ध्येय है। योग युक्त जीवन में हमें संपूर्ण परमात्म सुख प्राप्त होता है। हम योगी बने, लक्ष्य बना लें। 20-20 मिनट बैठकर अपने घर में 3 बार रोज योग अभ्यास करना है। यदि आपका मन एकाग्र न भी होता हो तो भी आप बैठकर अभ्यास करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कहावत है। अभ्यास करने से सब कुछ सहज हो जाता है। और इस तरह योग अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति हूँ, अपने स्वरूप को देखेंगे, फिर अपने गुणों का चिंतन करते हुए, उन्हें स्वीकार करते हुए, बाबा से स्वयं को जोड़कर उसे शुक्रिया देते रहेंगे। जैसे मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, बाबा आपने मुझे संपूर्ण ज्ञान देकर कृतार्थ कर दिया, मेरी प्यास बुझा दी, मुझे भी मास्टर ज्ञान सागर बना दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हे बाबा, आप प्यार के सागर हो, हमने आपका पवित्र प्यार पाया, प्यार से आपने हमारी बहुत पालना की, हमने अपने अनुभवों से जान लिया आप कैसे प्यार के सागर हो, आपको बारंबार शुक्रिया। हे सुखहर्ता दुखहर्ता बाबा, आपने आकर हमारे सभी दुख हर लिए, हमें सुखों का मार्ग बताया, आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए, आपको लाखों लाखों बार शुक्रिया। हे प्यारे बाबा, आप तो पवित्रता के सागर हो, आपने आकर हमें भी याद दिलाया, बच्चे तुम भी पवित्र हो, आपकी दृष्टि पाकर, आपसे नाता जोड़कर हम पवित्र होने लगे। अब हमारी यह पवित्रता नष्ट होने लगी है और बहुत जल्दी हम पवित्र बन जाएंगे। हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, हम जैसे जैसे पवित्र बनते जाते हैं, सुख शांति बढ़ती जाती है। आपने हमें पवित्र बनाया, आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान, आपने आकर हमें अपनी शक्तियां दे दी, हमें याद दिला दिया तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, हम बहुत शक्तिशाली बन गए, माया को जीतना हमारे लिए सरल हो गया, अब तो माया कागज का शेर नजर आती है, आपने हमें बल दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। इस तरह बाबा के हम समीप होते जाएंगे, बाबा से रूरिहान होती जाएगी, धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। पहले इस तरह के चिंतन में, इस तरह की रूरिहान में स्वयं को लगा दें। 10 मिनट मजे से इस तरह बाबा से बातें की जा सकती हैं, उसको शुक्रिया किया जा सकता है, इससे बाबा से अपनापन बढ़ेगा, फील होने लगेगा बाबा मेरा है, अपनेपन की गहन स्मृति आती जाएगी और हम योग युक्त होते जाएंगे। तो ध्यान रखना है, ये आत्मा के सभी गुण हमारे अंदर भी आते चलें, हम केवल इनका वर्णन न करें। जैसे जैसे आत्मा के सभी गुण हमारे अंदर आएंगे, हम योग युक्त स्थिति को प्राप्त होंगे, हमारी वो स्थिति विदेही स्थिति कहलाएगी। तो आज सारा दिन बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं चैतन्य फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और मेरे एक लेफ्ट साइड में
ब्रह्मा माँ है जो मुझे शीतलता की किरणें दे रही है। उनके मस्तक से शीतल किरणें निकलकर मुझ पर पड़ रही हैं। दूसरी ओर सर्वशक्तिवान शिव बाबा है जो मुझे शक्तियों की किरणें दे रहे हैं। बार बार ये अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।